लोक हित में उठी आवाज सदा अपनाई जाएगी, मंजता है मजहब यह बात समझाई जाएगी। समय की रेत पर खींची लकीरें मिट भली जाएगी, समय की रेत पर खींची लकीरें मिट भली जाएगी। धर्म संस्कृति की बात हर युग बतलाई जाएगी, हर युग बतलाई जाएगी। सम्मानित मंच को नमन, आदरणीय निर्णायक पंडित को प्रणाम, पधारे हुए अतिथिगण तथा मेरे सभी पक्ष एवं विपक्ष साथियों नमस्कार। मैं प्रतिभागी टिक्कम चंद आज की सभा के विषय समान नागरिक संहिता देश हित में के विपक्ष में हाथ लहराते हुए अपने विचार रखने जा रहा हूँ। मान्यवर, जब मैंने यहाँ बैठे बैठे अपने विपक्षी प्रवक्ताओं को सुना तो एक बार की लगता है कि मुझे देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, देश को एक कानून की आवश्यकता है। लेकिन मान्यवर, जब मैं गौर करता हूँ इसके दूसरे पहलू की ओर तो नजर आता है मुझे इसका धुंधला भविष्य नजर आती है, इसकी विकलांगता नजर आती है मुझे, इसकी दयनीयता और नजर आता है मुझे। कर्त में खोता मेरा हिंदुस्तान, फिर कैसे एक समान कानून की बात आज यहाँ की जा रही है। मान्यवर, मैं अपने विचारों को शुरुआती आयाम प्रदान करूं इससे पूर्व समान नागरिक संहिता का आज से स्पष्ट कर जाना चाहता हूं। मान्यवर, देश में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून हो। यह कानून पारिवारिक हो सकता है, यह कानून संपत्ति से संबंधित हो सकता है, या फिर यह कानून उत्तराधिकार से संबंधित हो सकता है। देश में निवास करने वाले प्रत्येक धर्म, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह सिख हो या फिर ईसाई हो, चाहे वह जैन हो या फिर बुद्धिज्म हो, सबके लिए एक समान कानून देश का, चाहे वह उत्तर से निवास करता हो, चाहे वह दक्षिण से निवास करता हो, चाहे वह पूर्व का निवासी हो, चाहे वह पश्चिम का निवासी हो, एक समान कानून हो। लेकिन मान्यवर, जिस देश की जनसंख्या 136 करोड़ का आंकड़ा पार करने जा रही है, जिस देश में विभिन्न संप्रदाय निवास करते हो, और हमारे भारत देश की, जी हाँ मान्यवर, हमारे भारत देश की खूबसूरती यही रही है कि यहाँ दुनिया के लगभग सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं को मानते हुए किंतु दूसरे धर्मों का सम्मान करते हुए एक सेकुलर ढांचे में मिलजुल कर रहते हैं, और इसी विविधता में एकता पर तो हमें फख्र है जिसे संविधान में भी दर्जा दिया गया है। तो फिर भला कैसे एक समान नागरिक संहिता कानून की बात की जा रही है। मान्यवर, हमारे देश में एक कोने में किसी धर्म की संस्कृति अलग है, किसी धर्म की परंपरा अलग है, किसी धर्म की मान्यता अलग है, किसी धर्म के विश्वास अलग है, किसी धर्म का रहन सहन अलग है, किसी धर्म का खान पान अलग है, किसी धर्म का बोलचाल अलग है, किसी धर्म का पहनावा अलग है, किसी धर्म में पिक जैसे गोश्त को खाने की मान्यता दी जाती है तो किसी धर्म में लहसुन और प्याज को भी पाप माना जाता है। तो फिर कैसे एक विविधता में एक समान कानून लाने की बात की जा रही है। मैं अब बात करता हूँ महिलाओं की। जहाँ हमारे देश में महिलाओं की बात आती है तो हमारे भारतीय संविधान में उन्हें बड़ा ही सर्वोपरि स्थान दिया गया है, उन्हें अनेकों विशेषाधिकार दिया गया है। लेकिन फिर भी मेरे विपक्षी साथियों को लगता है कि किसी पर्सनल लॉ या फिर पर्सनल कानून के द्वारा उनके साथ अत्याचार या फिर अन्याय हो रहा है, तो सरकार को और उन विपक्षी साथियों को उस कानून या पर्सनल लॉ में बदलाव की गुंजाइश करनी चाहिए, किंतु संपूर्ण धार्मिक आस्था पर सवाल खड़ा कर देना और उसको समाप्त कर देना कहां का न्याय है। मान्यवर, मैं बात करता हूं अनुच्छेद 44 की, जिसे मेरे विपक्षी प्रवक्ताओं ने बड़ा ही तोड़ मरोड़ कर एक अलग ही रूप प्रदान किया गया। हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 के तहत यह घोषणा करता है कि सरकार समान नागरिक संहिता के लिए राज्य में सलाह, सुझाव और परामर्श करेगी। लेकिन सरकार को इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, किंतु जब सरकार लोगों की इच्छा के विरुद्ध जाकर यह कानून नागरिकों पर थोप देती है तो यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। मान्य संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत देखा जाए तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और सरकार द्वारा यह कानून लागू करने का हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। मेरे विपक्षी प्रवक्ता संपूर्ण देश में समान नागरिकता कानून लागू करने की बात करते हैं। चलो एक पल के लिए समान नागरिक संहिता कानून को छोड़ देते हैं, क्रिमिनल लॉ को लेते हैं। देश के ही मिजोरम और नागालैंड राज्य ऐसे हैं जहाँ की क्रिमिनल लॉ तक सही ढंग से लागू नहीं हो पाता, GPRC और IPC तक ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाती, तो संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात तो बहुत कोसों दूर है। मान्यवर, बहुत कोसों दूर है। मेरे विपक्षी प्रवक्ताओं को बता देना चाहता हूँ, क्या वे किसी धर्म से संबंधित नहीं है या फिर वे किसी संस्कृति से संबंधित नहीं है? गुड़ खाकर गुलगुलौजे परहेज करने का ढिंढोरा बंद कर दीजिए। मान्यवर, बंद कर दीजिए। अब मैं अपने विचारों को कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत आयाम
को महत्व देना चाहूंगा कि धूल धुल गई है सच के आईने से, धूल धुल गई है सच के आईने से, मेरी कोशिशों का असर रंग दिखाता रहा, टूट रहा वो पत्थर भी धीरे धीरे, टूट रहा वो पत्थर भी धीरे धीरे, साध निशाना में वार हर बार बरसाता रहा, वार हर बार बरसाता। और मेरी इसी पंक्तियों को सिद्ध कर रही है हाल ही में जारी लोक कमीशन की रिपोर्ट। जी हाँ मान्य, 31 अगस्त 2018 को प्रकाशित नवीनतम लोक कमीशन की रिपोर्ट में यह दो साल के कड़े संघर्ष, विचार विमर्श और परामर्श के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिलहाल देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू नहीं की जाती है। अगर करना ही है तो सरकार को उन कानूनों में बदलाव कीजिए जिन्होंने धर्म को ठेकेदार और एक दुकान बना रखा है, उनमें बदलाव कीजिए। मान्यवर, मैं अपने विचारों को अभी अंतिम आयाम देने के लिए कुछ पंक्तियां बयां करना चाहता हूँ कि घाव बने नासूर तो अंग कटना जरूरी है, हो जाए जब सब हदें पार तो जंग लड़ना जरूरी है, जंग लड़ना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।